केमिकल इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है। इसमें मेमांटिन TNMG कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस लगभग 208 रुपये है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। एडमिंटा टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल। एडमिंटा टैबलेट का इस्तेमाल अल्जाइमर रोग के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल मध्यम या गंभीर अल्जाइमर रोग से पीड़ित मरीजों के में किया जाता है। एडमिंटा टैबलेट के लाभ अल्जाइमर रोग। एडमिंटा 10 टैबलेट हल्के लेवल से मध्यम अल्जाइमर रोग वाले लोगों में सीखने, याद रखने और सूचना से मस्तिष्क से जुड़े काम में सुधार करने में मदद मिलती है। स्मृति और सोच में समस्याएं दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर सकती है, आपकी स्थिति और भी खराब कर सकती है। यह दवा अल्जाइमर की बीमारी को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करेगी। इससे आपके लिए रोज़मर्रा की गतिविधियों को आसान करना आसान हो जाएगा और आपको तक आपके डॉक्टर सलाह ना दे तब तक इस दवा को लेना बंद ना करें। एडमिंटा टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं, लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। एडमिंटा के सामान्य साइड इफेक्ट चक्कर आना, सिर दर्द, उलझन, नींद आना, सांस फूलना, हाइपरटेंशन। एडमिंटा टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुमाप की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निकले, इसे ना ही चबाई, कुचले और तोड़े। एडमिंटा 10 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाना चाहिए। एडमिंटा टैबलेट को यूज करने के कुछ खास टिप्स। अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए आपको एडमिंटा 10 टैबलेट लेने की सलाह दी गई। अच्छी तरह से सहनशील और अन्य दवाओं की तुलना में इसमें कम साइड इफेक्ट होते हैं। जब तक आपको यह पता न चले कि यह टैबलेट आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव करते समय या कंसंट्रेशन की आवश्यकता वाला कोई भी काम ना करें जिसमें समय सावधानी बरते। अगर आपको दौरे पड़ने, किडनी की बीमारी, हृदय रोग या लीवर की बीमारी का इतिहास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अगर आप गर्भवती है, गर्भधारणा की योजना बना रही है या स्तनपान कराती है तो अपने डॉक्टर को बताएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।